मॉर्निंग, आज हम देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट में कोई एक नंबर दे रखा होगा और उस नंबर के बाद से हमें कोई नोड, उसके अगली वाली नोड डिलीट करनी है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में ये दिखाया गया कि वो अगली वाली नोड होनी है, मतलब ठीक है, वो कंडीशंस भी इंक्लूड कर लेना, इसे अपडेट कर लेना कि मान के चलिए कोई गलत नोड दे देता है या ऐसा नंबर ही दे देता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने वो कंडीशंस ली हैं जिसमें एटलीस्ट नोड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो किसी नंबर के बाद नोड है तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि अगर 20 के बाद वाला डिलीट करना होगा तो ये तो या तो लास्ट नोड होगी या फिर 10 के बाद वाला डिलीट करना है तो 20 नोड होगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन होंगी कि या तो वो लास्ट नोड होगी या फिर कोई और मिडिल वाली नोड होगी, तो ये दो कंडीशन मैंने इंक्लूड की है। देख लेते हैं, तीन पॉइंटर लिए क्यू आर एस। सबसे पहले क्यू में हेड दे दिया, तो क्यू में हेड का मतलब है एड्रेस ऑफ 10। ठीक है, तो हेड इस वाली नोड को डिनोट कर रहा है और एंड इस वाली नोड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एंड में होगा एड्रेस ऑफ 30, हेड में है एड्रेस ऑफ 10, एंड में होगा एड्रेस ऑफ 30। ठीक है, अब क्यू में एड्रेस ऑफ 10 गया, वाइल क्यू डेटा इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई। मान के चलिए हमें 20 के बाद वाली नोड डिलीट करनी है, तो क्यू डेटा इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई, मतलब अभी देखो वाई में है 20 के बाद वाला नोड डिलीट करना है, तो ये वो नोड है जिसके बाद वाला नोड, ये वो नोड है मतलब वैल्यू है जिसके बाद वाली नोड डिलीट करनी है। तो वाइल क्यू डेटा नॉट इक्वल्स टू वाई, देखो यहाँ क्यू का डेटा 10 है, वाई के 20 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट। अभी क्यू इस वाली नोड को डिनोट कर रहा है, अब क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट मीन्स एड्रेस ऑफ 20, तो क्यू इस वाली नोड को डिनोट करेगा, अब इसको नहीं करेगा। ठीक है, अब फिर से चेक होगा, वाइल क्यू डेटा इज नॉट, अब देखो क्यू डेटा नॉट इक्वल्स टू वाई, वाई में 20 है तो क्यू का डेटा भी 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कहाँ आ जाएंगे, वाइल लूप के बाहर। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही नॉट इक्वल्स की जगह इक्वल्स हो गया, तो लूप के जस्ट बाहर अगली लाइन में आ जाएंगे। तो अगली लाइन कह रही है आर इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू क्यू ये वाली नोड है, इसमें नेक्स्ट वाला पोर्शन है एड्रेस ऑफ 30, तो आर इज इक्वल्स टू हो गया एड्रेस ऑफ 30। तो आर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ 30 हुआ, तो आर किस वाली नोड को डिनोट करेगा, इस वाली नोड को डिनोट करेगा। अब ये पहला केस है जब जो नोड डिलीट करनी है वो एंड नोड है, तो जब हमें कोई नोड डिलीट करनी है वो एंड नोड है, तो हम डायरेक्ट कॉल कर लेंगे डिलीट एंड, जो इससे पहले हमने प्रोग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, वो डायरेक्ट कॉल करेंगे डिलीट एंड, वो क्या करेगा, इस लास्ट वाले नोड को डिलीट कर देगा, एंड का वैल्यू ये हो जाएगा, यहाँ नल हो जाएगा और ये नोड फ्री हो जाएगी। इसके लिए लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, मीन्स क्या होगा, यहाँ पर नल हो जाएगा, ये वाली नोड फ्री हो जाएगी। ठीक है, और एंड जो होगा वो अब इसको डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान के चलिए हमें एक ऐसी नोड डिलीट करनी है जो लास्ट नोड नहीं है, तो फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फिर से वही ले लेते हैं, एटलीस्ट एक नोड और लेना पड़ेगा। 30 नल एड्रेस ऑफ 20 एड्रेस ऑफ 30, फिर से एंड इस वाली नोड को डिनोट कर रहा हूँ। अब हमें क्यू का वैल्यू है 10, 10 के बाद वाली नोड, वाई का वैल्यू है 10 सॉरी, तो 10 के बाद वाली नोड डिलीट करनी है, तो फिर से हम क्यू आर एस लेंगे। क्यू में हेड मीन्स क्यू इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ 10, कह रहा है वाइल क्यू डेटा इज नॉट इक्वल्स टू वाई। अभी देखो क्यू इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ 10 मीन्स क्यू इस वाली नोड को डिनोट करेगा, कह रहा है क्यू डेटा नॉट इक्वल्स टू वाई, क्यू का डेटा फील्ड 10 है, y का वैल्यू भी 10 है, तो ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगी। तो जब पहली बार में फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट अगली लाइन पे आ जाएगा। अगली लाइन कह रही है r इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, r इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट मतलब q ये वाली नोड है, इसका नेक्स्ट पोर्शन है ये, तो एड्रेस ऑफ 20, r में एड्रेस ऑफ 20 चला गया, मतलब r किस नोड को डिनोट करेगा, ये नोड हो गई q, ये नोड हो गई r। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आसान है। अब देखते हैं इफ़ एंड इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो ये एंड इज इक्वल्स टू आर मतलब ये वो वाली कंडीशन आ रही ना कि जब लास्ट नोड हो, तो एंड इज इक्वल्स टू आर तो है नहीं, मतलब एंड अब कोई और है, आर जो है मिडिल वाली नोड है कहीं पर,
ठीक है, मतलब एंड नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक, ये रिटर्न नहीं होगा, ना डिलीट एंड जाएगा, तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, उस इफ कंडीशन के बाद वाली लाइन पे। इफ कंडीशन की बॉडी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन कह रही है एस इज इक्वल्स टू आर नेक्स्ट, तो कह रहा है ये कि एस इज इक्वल्स टू आर नेक्स्ट, एस इज इक्वल्स टू आर, ये वाला है आर का नेक्स्ट कौन है, एड्रेस ऑफ 30, तो ये वाला नोड हो गया एस, ठीक है। मे और मे नॉट बी की एस लास्ट नोड हो या ना हो उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हो तब भी नहीं हो तब भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस वाली नोड को डिलीट करना है तो क्या हो, इससे जो ये जो प्रीवियस वाला है इसके पास इसका एड्रेस चला जाए, मतलब प्रीवियस वाला कौन सा नोड है, क्यू, क्यू में ये वाली नोड है, तो क्यू के जो नेक्स्ट है अभी ये वाला नोड का एड्रेस है आर का, ये ना हो के उसके एक बाद वाले का चला जाए, एक बाद वाला किस में स्टोर है, एस में। तो देखो क्या कर रहे हैं, क्यू के नेक्स्ट में एस चला जाए, तो क्यू ये वाला है, इसका नेक्स्ट ये वाला है, और इसके नेक्स्ट में एस चला जाए, एस का वैल्यू कितना, एड्रेस ऑफ 30, तो एड्रेस ऑफ 30 चला गया यहाँ पर, तो ये जो लिंक था ये टूट गया और एक नया लिंक इस तरह बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो, जो ये एस वाला है इसके जो प्रीवियस वाला है ये भी इसको डिनोट ना करके यहाँ ऐड हो जाए, तो कैसे होगा, एस के प्रीवियस में क्यू चला जाए, एस के प्रीवियस वाले पोर्शन में क्यू मीन्स एड्रेस ऑफ 10 चला जाए, एड्रेस ऑफ 10 चला गया तो ये वाली नोड डिलीट हो गई और ये इससे कनेक्ट हो गई, ठीक है, तो अब ये वाला इससे और ये वाला इससे कनेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, फ्री कर देंगे आर को, तो जैसे ही आर को फ्री करेंगे तो ये वाला नोड फ्री हो गया, ठीक है। अब देखो नोड चला गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, मतलब ये जो लाइन है इसको सीधा कर देंगे तो इस तरह, ये जो लाइन है इसको सीधा कर देंगे तो इस तरह, ठीक है, तो बीच वाला नोड चला गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। तो अब कितने भी नोड होते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड का वैल्यू भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, हेड का वैल्यू भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, बीच का नोड जो जाना था वो उस हिसाब से ये स्टेप्स फॉलो होंगे और वो नोड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का मैंने तीनों कंडीशन बता दिया है, अब नेक्स्ट में देखेंगे कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट किस तरह फॉर्म होती है, ठीक है, थैंक यू।